गुजरात की नई हलका बंदियां खत्म। बलदियाती इदारों की पुरानी हलका बंदियों को पुराने निजाम के तहत बहाल कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन का दर्जा भी जाता रहा। बलदियाती इदारों में शामिल किए गए देहाती इलाके भी निकाल दिए गए। पुराने चेयरमैनों और मेयर्स की बहाली के बाद जिला गुजरात में कौन कौन से बलदिया अफसरान को तब्दील कर दिया गया, देखिए आवाज न्यूज पर आकाश न्याजी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल होने वाले बलदियाती अदारों में एक बार फिर अहम तब्दीलियां कर दी गई हैं। गुजरात को मेट्रोपॉलिटन का जो दर्जा मिला था अब वो खत्म कर दिया गया है और अब दोबारा 12 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दोबारा बहाल कर दिया गया है, जिसके बाइस जो अजाफी अफसरान म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन में तैनात किए गए थे उनको तब्दील कर दिया गया है। मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में अहम तब्दीलियां की गई हैं। जिला गुजरात में चीफ ऑफिसर कमर जीशान, फाहद भट्ट और मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद असगर और दीगर कई अफसरान को तब्दील किया गया है। सराय आलमगीर म्यूनसिपल कमेटी, खारिया म्यूनसिपल कमेटी, लाला मूसा म्यूनसिपल कमेटी, जिलापुर जट्टा म्यूनसिपल कमेटी समेत जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको तब्दील करके मुख्तलिफ अजला में तैनात किया गया है। अब दोबारा जो है बहाली हुई है पुराने निज़ाम की और पुराने निज़ाम के मुताबिक तहसील कौंसिल को भी ख़त्म किया गया है और ज़िला कौंसिल दोबारा जो है इसको बहाल किया गया है। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अभी कोई मुकम्मल शेड्यूल तो सामने नहीं आया, तहम कहा जा रहा है कि दिसंबर में या माह जनवरी में बलदियाती इलेक्शन कराए जाने का अमकान है। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याजी। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।